हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है एक छोटी बच्ची का जो पफ स्लिप्स हम कैसे सिलेंगे वही सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसी फैब्रिक के ऊपर एक लहंगा सिली थी। उस लहंगा का वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है। तो ब्लाउज सिलने से पहले उसके स्लीव्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ फटाफट मेजरमेंट बता दे रही हूँ। देखिए, मैंने जो है 6 इंच तक का जो है स्लीव्स की लेंथ ली है और ये पफ स्लीव्स बनेगी। तो इसका जो मेजरमेंट है, मैं आपको पहले तो मैं लंबाई ले ली हूँ और जहाँ से हमारा फोल्डिंग एरिया आता है वहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए, 3 इंच पे हमने निशान लगाया है और यहाँ से जो है 7.5 ली हूँ, यहाँ से जो है 7.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2.5 तक का जो है स्लिप्स को हम डाउन करेंगे। देखिए, हमने डाउन का निशान लगाया, ये आपको समझना सही होगा इसीलिए हमने लिए। और यहाँ जो है 1.5 इंच जो है हम अंदर की ओर मार्क करेंगे इस तरह से। अब जो है इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और गोलाई का हिसाब से आप यहाँ जो है हाथ का गोलाई होगा हमारा 8 इंच, तो फोल्डिंग में हमें 4 इंच पे मार्क लगाना होगा। 4, यहाँ से हम 2 इंच जो है 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और इस निशान को यहाँ से हम मिला लेंगे कुछ इस तरीका से। तो सो सिंपल, कटिंग हमारा मार्किंग हमारा पूरा हो गया है। तो हम इसे अब कट करेंगे। यहाँ कटिंग करने के बाद यहाँ जो हम निशान कटिंग हमारा हो चुका है और यहाँ जो हम निशान लगाए यहाँ पे जो है हमें एक छोटा सा नॉच लगा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हम यहाँ तक ही हमको प्लीट्स लगानी है। देखिए, यहाँ हम नॉच लगा लिए हैं, इसको अब खोलेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें जो है प्लीट्स डालना होगा। इसी के अनुसार हम इस अस्तर को कट कर लेंगे। इसको इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग एरिया पे जो है हम अस्तर को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अस्तर भी हमने कट कर लिया है। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, जब हम पफ स्लीव्स बनाते हैं उसमें जो आगे का जो गहराई आता है वो हम नहीं डालते हैं, और बहुत ही हेवी साइज की ब्लाउज होगी तो हम यहाँ से थोड़ी सी हल्का सा अपना अंदाज से जो है कट कर लेते हैं, लेकिन जो 1/2 इंच का जो हम हर ब्लाउज पे देते हैं वो मार्क हम नहीं करते। तो चलिए, सबसे पहले हम अस्तर को जोड़ लेंगे, उसके बाद हम प्लीट्स कैसे डालते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सिलने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फेब्रिक को सीधी और रख देंगे, इसके ऊपर जो है अस्तर को हम यूं रखेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में अस्तर जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ हम सीधा सिलाई लगाने के बाद इसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ एक सिलाई जो हमारा टॉप सिलाई आती है वो लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लीव्स के साथ जो है अस्तर को जोड़ लिया है और हम जो नॉच लगाए थे आप देख सकते हो वीडियो में। अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं निशान लगा के आपको दोबारा दिखा दे रही हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है प्लीट्स के निशान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से प्लेट्स लेंगे और सिलते जाएंगे। प्लीट्स हम यहाँ तक का ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट है, जो हमारा
आर्म होल का राउंडिंग है वो आप नाप लीजिए, अगर थोड़ी सी और उससे भी छोटी आपको प्लीट्स लगाना है तो उसको आप यहाँ से लगा के कंप्लीट करिए ताकि हमारा स्लीव्स पूरा का पूरा बराबर है। ऊपर इस तरह से प्लीट्स लगा लेने के बाद नीचे के कपड़े में भी हमें इसी तरह से प्लीट्स लगाना है। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिस तरफ आपका प्लीट्स का रुख होगा उसी तरफ नीचे भी आप होना चाहिए, यहाँ एक और यहाँ एक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें इसी तरह से छोटा छोटा प्लीट्स लगा लूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे जो है प्लीट्स डाल दिए हैं और स्लीव्स को इस तरह से कंप्लीट किए हैं। तो आप देख सकते हो पफ, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा पफ आई है, और जब बच्चे इसे पहनेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगी। देखिए आप कुछ ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से देखिए इतना सारा जो है हमारा पफ है। तो यहाँ हम कोई शो बटन भी, अगर ये प्लेन ब्लाउज होता तो यहाँ हम कोई शो बटन लगा सकते हैं, बट नीचे थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने के लिए इस तरह का जो हमारा लेस आती है, देखिए ऊपर गोल्डन है और नीचे एक मोती और एक गोल्डन लेस है, इस लेस को हम इस तरह से नीचे लगा लेंगे। साथ ही में हमें दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मोती लेस को जो है इसमें लगा दिया, और लगाने के बाद इसका खूबसूरती और भी बेहतरीन आ रहा है, और जब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे तो और भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची का ये है। तो इसी तरह से हमें दोनों रेडी कर लेना है। देखिए ये पफ जो आ रही है, इसके मतलब कि आपके जो स्लीव्स है वो परफेक्ट आई है। साथ ही में मैंने दूसरी वाली भी रेडी कर ली है, देखिए दोनों स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया। तो आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।